क्या हाथ की लकीरें होती हैं? क्या हमारी किस्मत से हाथ की लकीरों का कनेक्शन होता है? क्यों लोग हाथ दिखते हैं? एक्चुअली में हाथ है क्या? हाथों से आप अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, भलाई के काम कर सकते हैं। कुछ लोग हाथों को अपना भाग्य मानते हैं और हाथों की लकीरों में अपनी मंजिलें तलाशते हैं। क्या ये सच है? क्यों लोग हाथों पर भरोसा करते हैं और किस्मत पे भरोसा करते हैं और कुछ करते नहीं? ठीक है, क्या कनेक्शन है हाथों की रेखाओं का हमारे भाग्य के साथ? क्यों लोग इस पर विश्वास करते हैं? एक्चुअली में हाथों की रेखाओं का जो कनेक्शन है वो सीधा प्राचीन काल से है, ऋषि मुनियों के जमाने से, कालों से, और राजा महाराजाओं के कालों से हाथों का कनेक्शन और हाथों का जो अध्ययन किया जाता है और इसे किस्मत से जोड़ा जाता है। ऐसे कई योद्धाएं हुए जो अपनी हाथों पर विश्वास करते थे, उन रेखाओं पर विश्वास करते थे, और उन रेखाओं के विश्वास पर उन्होंने कई सारे युद्ध जीते। और जितने भी ऋषि मुनि हुए उन्होंने अपने अध्ययन में रेखाओं को विशेष महत्व दिया था। उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे कि कई राजा हुए, जैसे कि एलेक्जेंडर, ये भी मतलब बहुत ज़्यादा युद्ध जीते, बहुत लड़ाई उन्होंने की, और इन्होंने सिर्फ अपने हाथ को देखते हुए ही कई सारे युद्ध लड़े। अपनी किस्मत अपने हाथों की रेखाओं पर वो मानते थे और हाथ की रेखाओं के बलबूते ही वो निर्णय लेते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे कई अनगिनत राजा महाराजा हुए उस समय जो कि हाथों की रेखाओं पर विश्वास करने लगे। आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाथों की रेखाओं को जो कनेक्शन है वो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, जो कि आज तक है। और आज साइंस, ऐसे कई विद्वान हैं जो इसको नहीं मानते हैं, इस पर विश्वास नहीं करते हैं, और आने वाली जो पीढ़ी है, कई ऐसे लोग हैं जो आज भी इसको नहीं मानते हैं। लेकिन जो प्राचीन काल की जो पीढ़ियाँ हैं, जो प्राचीन काल के लोग हैं, वो लोग जो पुराने लोग हैं, वो लोग इस पर ज़्यादा महत्व देते हैं, विशेष महत्व देते हैं। ठीक है, एक स्टडी है तारों का, एक ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं, और ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन से, तारों के नक्षत्र अध्ययन से ही हाथों की रेखाओं का ये लोग अध्ययन करते हैं, और एक किस्मत से इसको जोड़ा जाता है और लोग इस पर विश्वास करते हैं। लेकिन साइंटिफिकली इसका कोई अर्थ नहीं होता। आप अपनी हाथों को सीधा रख दें और कभी ना मोड़े तो कभी भी इस पर रेखाएं नहीं बनेंगी। जो रेखाएं बनी हुई है वो धीरे धीरे मिट जाएंगी। ठीक है, और जैसे होता है, जैसे हमारी ये जो फोरहेड होता है, जो इसमें जो रेखाएं होती हैं, इसमें भी रेखाएं होती हैं, लाइन लाइन होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करते हैं, बार ऊपर नीचे करते हैं अपने भवों को, ठीक है, फोरहेड को, इस कारण से उस पर भी रेखाएं बन जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दुख सुख की रेखाएं बनती हैं और रेखाएं होती हैं, ऐसा कुछ नहीं। और जैसे जैसे आपकी उम्र होते जाएंगी, स्किन मुरझाएंगी, सेल्स टूटेंगे, सेल्स कमजोर होंगे और नए सेल्स नहीं बनेंगे, तो वो डेड सेल मुड़ेंगे, जिससे कि उसमें लाइनें लाइनें दिखेंगी, दरारें दिखेंगी, तो इससे वो रेखाएं, और कई लोग इसको रेखाओं का नाम दे देते हैं, रेखा का नाम दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये रेखा नहीं होता। और हाथ को, जैसे मैंने कहा, अगर आप सालों साल लगातार आप अपने हाथों को सीधा रख दें तो उस पर कोई रेखाएं नहीं बनेंगी और सारे रेखाएं धीरे धीरे करके मिट जाएंगी। वो भी बच्चा जन्म लेने से पहले या जन्म लेता है, अगर उसने अपने हाथों को नहीं मोड़ा है तो उस पर कोई रेखाएं नहीं होती। रेखाएं तब बनती है जब कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति अपने हाथों को लगातार मोड़ता है, लगातार बंद करता है, मुट्ठी बांधता है, तब उसकी रेखाएं बनती हैं, एक्चुअली उसकी रेखाएं नहीं बनती हैं। तो ये फैक्ट्स थे रेखाओं के। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपका भाग्य बनेगा, और अपनी मेहनत से, अपने अच्छे कर्मों से ही आप अच्छा भाग्य बना सकते हैं, ना कि हाथों की रेखाओं से। और हाथों की रेखाओं में अगर कुछ लिखा है तो आपको मिल जाना चाहिए, बिना कर्म के मिल जाना चाहिए, क्योंकि आपके भाग्य है वो। अगर आपकी हाथों की रेखा आपका भाग्य है तो आपको मिल जाना चाहिए। और एक बात, जिस समय कोई योद्धा पैदा होता है, कोई राजा पैदा होता है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी कोई भी पैदा होता है, उस समय उसके साथ कई लोग और पैदा होते हैं, वो सिर्फ अकेला पैदा नहीं होता है। तो क्यों वो राजा बन जाता है, क्यों योद्धा बन जाता है, कोई वो इतना बहादुर बन जाता है और कोई कुछ भी बन जाता है, कोई कुछ बनता भी नहीं है, जबकि वो एक ही समय में, एक ही टाइम पे पैदा होते हैं, एक ही नक्षत्र ग्रह नक्षत्र में पैदा होते हैं। लेकिन क्यों लोग बोलते हैं कि ग्रह नक्षत्र, जिस ग्रह नक्षत्र में जैसा कोई पैदा होगा, जैसा जन्म लेगा, उसका भाग्य वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो भाग्य क्रम है वो पहले से ही निर्धारित है,
जो भी आपका भाग्य क्रम हो पहले से निर्धारित है और उसे आप नहीं जान सकते, बस अपने कर्मों से उसे अच्छा बुरा बना सकते हैं, कर सकते हैं, और इसका कोई भी कनेक्शन किसी भी कुंडली से, हाथों की रेखाओं से नहीं है। क्योंकि मैंने कहा उसी समय में कई लोग, हजारों लोग, लाखों करोड़ लोग पैदा होते हैं एक ही समय में, लेकिन सबके भाग्य किस्मत अलग अलग होते हैं। कोई भी मुकेश अंबानी या कोई शाहरुख खान नहीं बनता। अगर आपने कर्म कर रहे हैं, कोई भी आप कर्म करते हैं, अगर आपका किस्मत ठीक है तो आप उस तक पहुंच सकते हैं, आप बन सकते हैं। लेकिन आप कर्म भी करते हैं लेकिन किस्मत भी कहीं साथ नहीं देती तो आप पीछे रहते हैं, कभी भी असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जस्ट भाग्य है, बस ये जस्ट एक भाग्य हो सकता है, कोइंसिडेंट हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। कर्म प्रधान है, सभी में लिखा हुआ है कि कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है, क्योंकि उसने कर्म करने के लिए आपको स्वतंत्र छोड़ा है, ना कि बस कुछ भी चीज़ आपको मिल जाए और पाने के लिए आप बैठे रहें और सब आपको मिलता रहे। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ऐसा लग रहा है कि घूम रहे हैं, जहाँ से भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे, वो लग रहा है घूम रहे, घूम रहे, गोल गोल घूम रहे, और उसके बीच में कुछ लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, उसके बीच में लिखा हुआ है 528, यही लिखा है ना। अगर और कुछ भी लिखा है, अगर आपको और कुछ भी दिख रहा है तो कमेंट में बताइए कि आपको क्या दिख रहा है और एक्चुअली में क्या लिखा है। लेकिन जो दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि 528 है, इसे गौर से देखिए, गोल में घूम रहा है। और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले।